दिन के ऊपर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, इसके अंदर एक बुज़ुर्ग शख्स है जो जमरात की रमी करते हुए नज़र आ रहा है, जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थलग हरकतें कर रहा है। बल्कि ये सिर्फ अपना गुस्से का इजहार नहीं कर रहा, बल्कि ये सोशल मीडिया पर मशहूर होने का एक ऐसा काम है जिससे लोग सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाते हैं। हर साल हज के मौके पर कुछ ना कुछ ऐसे नज़ारे लोगों की तरफ से देखने को मिलते हैं जिसको लोग या तो उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे होते हैं या उसको वाकई में सच समझ रहे होते हैं, और उसको लोग इतना शेयर करते हैं सवाब की नियत से और लानत की नियत से। कुछ लोग जो है लानत भेजने के लिए एक दूसरे को दिखाते हैं कि तमाम लोग उसके ऊपर लानत भेजो, कुछ लोग सवाब हासिल करने के लिए उसको शेयर कर रहे होते हैं ऐसी वीडियो को। दरअसल बात यह है कि जमरात की जो रमी है ये शाइर इस्लाम में से है, इस्लाम के शाइर में से है और हज का एक रुकन है, तो इसको उसी तरह अदा करना चाहिए जिस जैसा इसका तरीक़ा है, जो ख़िलाफ़ सुन्नत ना हो और जो सुन्नत के आयन मुताबिक हो उसी तरह इस अमल को अंजाम देना चाहिए। लेकिन बसा अवकात देखा यह जा रहा है कि कोई कभी चप्पलें फेंक के मार रहा है उस शैतान को, और कोई जो है पत्थर उठा उठा के उसके ऊपर फेंक रहा है, कोई छतरी के ज़रिए से उसको अजीब अजीब इशारे कर रहा है, और कोई लाठी के ज़रिए से उसको बंदूक नुमा बनाकर उसके ऊपर फायरिंग की जो है फायरिंग का इशारा कर रहा है। मतलब वो यह बताना ये चाह रहा है कि मैं जो हूँ शैतान को बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदे, वो शैतान थोड़ी है, ना उसके अंदर कोई शैतान है, बल्कि वो एक पत्थर है, वो एक पत्थर है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके के ऊपर कंकर फेंकी थी, तो हमें भी उनके तरीक़े पर चलना है और सुन्नत इब्राहिमी के ऊपर अमल करते हुए हमें अपने हज को अदा करना है। तो जब हमें सवाब उसी वक्त मिलेगा जब हम सुन्नत इब्राहिमी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आइन तरीक़े के ऊपर अमल करेंगे, और अगर खिलाफ सुन्नत इस तरह के काम अंजाम देंगे अपनी तरफ से, तो हमें इसके ऊपर कोई सवाब नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग अपना गुस्से का इजहार करते हैं, कोई कुछ उठा के फेंक रहा है, कोई क्या मार रहा है उसके ऊपर, तो ये सारे तरीके जो है सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ मशहूर होने के तरीके हैं। ना हमें इस्लाम ने ये तरीक़ा सिखाया कि बड़े बड़े ढेले उठा के मारो, ना इस्लाम ने ये कहा कि चप्पलें फेंक फेंक के मारो, ना इस्लाम ने ये सिखाया कि उसके ऊपर इतना गुस्से का इजहार करो कि तुम तोड़ बैठो। अगर आप उसको तोड़ देंगे, उसके ऊपर कोई भी आप बड़ा पहाड़ उठा कर फेंक दें, चट्टान उठा कर फेंक दें, या उसके ऊपर जो है गोली चला दें, या उसको बम ब्लास्ट से उसको तबाह बर्बाद कर दें, तो शैतान का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना है, बल्कि ये एक तरीक़ा है जो हमें फॉलो करवाया जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये तरीक़ा अल्लाह को इतना पसंद आया था उस वक्त, तो अल्लाह ताला ने इसको हज का एक रुकन बना दिया, वो भी रहती दुनिया तक के लिए। जब तक दुनिया बाकी है, लोग हज करेंगे, तो यही तरीक़ा उनको जो है इख्तियार करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला हम सब को अक्ल सलीम अता फरमाए और फ़कीह फिद्दीन यानी दीन के अंदर फ़कात नसीब फरमाए, और इस तरह के काम से हिफाजत फरमाए। लोग क्या कर रहे हैं, बाकायदा उनको उभार रहे हैं कि और करें और करें, ताकि उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाए। तो ये सारे काम खिलाफ सुन्नत काम है। अब हज करने गए हैं कि मजाक उड़वाने गए अपना, या कॉमेडी करने गए वहाँ पे, ये हज नहीं है, ये बैतुल्लाह का एक मजाक है और अपना भी मजाक उड़वाना है। तो इन तमाम कामों से परहेज़ करना चाहिए। जो लोग भी अब आइंदा हज करने जाए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें।